नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विशेष कैंप लगाकर संभावित लक्षणों के मरीजों का किया जा रहा चिन्हांकन। रायपुर 25 सितंबर 2024। स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है, इसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णु के सुशासन से छत्तीसगढ़ स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ से सिकल सेल बीमारी को विदा करना है और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को सिकल सेल जैसी बीमारी से मुक्त कराना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत राज्य में पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर 40 वर्ष तक के लोगों को संभावित लक्षणों के आधार पर पहचान कर आवश्यक उपचार और दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल जांच सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु स्वस्थ और सिकल सेल मुक्त हों। गौरतलब है कि सिकल सेल एक अनुवांशिक रक्त विकार है, इससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें लाल रक्त कणिका के समान आकार में परिवर्तन होकर हसिया के आकार का हो जाता है। रक्त कणिकाओं का हसिया आकार होने के कारण इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और ये कणिकाएं रक्त वाहिकाओं में चिपकने लगती हैं। इसके कारण शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन आपूर्ति में समस्या आती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी दो प्रकार के होते हैं। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।